बेमेतरा में सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दो टुक कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दौरान बेमेतरा विधायक आशीष छावड़ा ने बिरला जनपद पंचायत में नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर भागवत सिन्हा द्वारा 3,000 रुपए वसूली करने की शिकायत की, जिसे गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर को तत्काल सस्पेंड करने का निर्देश जारी कर दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान राशन कार्ड बनाने के नाम पर शिकायत मिली कि बिरला जनपद पंचायत में प्रति नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर कंप्यूटर ऑपरेटर भागवत सिन्हा द्वारा 3,000 रुपए लिया जाता था। कृषि मंत्री ने उसे तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा ने इस आशय की शिकायत की। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में संसदीय सचिव एवं विधायक नवागढ़ गुरुदयाल सिंह बंजारे, विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा, कलेक्टर बेमेतरा विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीना मंडावी सहित जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। बेमेतरा जिले के जिला स्तर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हम लोगों ने आज की। सौभाग्य से हमारे दोनों विधायक भी मौजूद थे। अलग अलग विभागों के जो हमारी कार्य हैं, सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने लिया है। बरसात सामने है, किसानों को समय पर बीज उपलब्ध होना चाहिए, फर्टिलाइज़र की कितनी और ज़रूरत हो सकती है, गोधन न्याय मिशन के तहत हमारा वर्मी कंपोस्ट कितना किसानों के पास जा रहा है, उसके अलावा भी जो और डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो कैसे संचालित हो रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत समीक्षा किया गया। समीक्षा इस बात के लिए भी किया गया कि परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात का वक्त दिया हुआ है और संभावित बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा का कार्यक्रम जून महीने के अंतिम सप्ताह में बन सकता है। हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि प्रशासन की आँख कान हाथ पैर तो अधिकारी ही होते हैं ना, तो उनको काम संजीदगी से करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पूर्व जो भी विभागों में काम की पेंडिंग है, लंबित है, उनको समय पूर्व संपादित करने का निर्देश दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।